गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी, कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे, यानी ये भी हिम्मत है कि 4 करोड़ देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक वर्ग है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस में देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बचे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम चाहते हैं। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है, और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए हैं, और वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इन सारी बातों को तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है, और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं।
राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें, और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते। और हमने देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है, हमने तो दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है, ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रहकर के लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सर्वांगीण विकास को लेकर हम चले हैं। साथियों गत 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा यानी सोचने में भी बदलाव लाए, जमीन पर तो लाए लाए, वरना हमारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना, उस सहारे में से बदलाव नहीं, अब तो अच्छा ही चाहिए, बड़ा ही चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए। सामान्य मानवीय के मन को हमने इस तरह से प्रेरित भी किया है और पुरुषार्थ करके हमने उस दिशा में काम किया है। 5 साल में हमें गतिशक्ति यानी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जो काम किया है, जो काम 6-6, 8-8 महीने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं, सर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम काम कर रहे हैं। और ये जब होता है तो उसका मूल फायदा देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अति अवसर बन जाते हैं, उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। और वो हमें साथियों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है।